एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं और जो आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, किसी की हम हेल्प कर पाएँ वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं डेली यूज़ के इंग्लिश के सेंटेंसेस। डिलीशियस, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट, कोई स्वाद चीज़ कोई भी खाने की भी हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? डिलीशियस। डिड, डिड होता है किया, जैसे कोई काम आपने कर दिया है पहले ही और अभी आप उसे बता रहे हैं कि मैंने किया। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई, आई डिड, मैंने किया। क्या किया? आई डिड, मैंने किया। तो डिड का यूज़ आपको समझ आया कि जब आप कर चुके होते हैं कोई काम, अभी बता रहे होते हैं, आई डिड, मैंने किया। यू नो, आपको पता है, आप जानते हैं, ठीक है। नो का मतलब होता है जानना, किसी चीज़ का पता होना, उसे कहते हैं यू नो, आपको पता है। यू नो आई रीड, तुम्हें पता है मैं पढ़ता हूँ। क्या पता है? तुम्हें पता है मैं जानता हूँ मैं पढ़ता हूँ। आई रीड, रीड होता है पढ़ना। आई, मैं, यू नो आई रीड, तुम्हें पता है तुम जानते हो मैं पढ़ता हूँ। यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। जैसे यू नो आप जानते हैं, यू नो मी आप मुझे जानते हैं। इतना भी हम सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं यू नो, किसी को अगर बोलना हो यू नो आप जानते हैं, यू नो कहकर भी आप बात को हिंदी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू नो ऐसा था, यू नो ऐसा था, यू नो वैसा था, इस तरीके से भी हम यू नो का यूज़ कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, आप पूरा सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो बहुत ही प्यारी बात है। अगर इंग्लिश में आप पूरा सेंटेंस जो है बोलना चाहते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस इंग्लिश में नहीं आता है तो यू नो बोलकर भी आप काम चला सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा सेंटेंस जो भी आप बात बोलना चाहते हैं वो इंग्लिश में बोलनी आती है, वर्ड्स वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपको पता है तो आप बोल सकते हैं। और वोकैबुलरी वर्ड्स की बहुत सारी ट्रिक्स जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो वो जाकर वीडियो देखें। और ग्रामर पोर्शन आपको समझना है तो मैंने ट्रिक के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो वीडियो जाकर देखें। और जो है थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो जल्दी जल्दी आगे से सेंटेंस देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा। जब आपको कोई भी चीज़ मन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल होती है, किसी चीज़ को जानने की मन जो है पूरा मचल रहा होता है कि मुझे ये चीज़ अभी जाननी है, अभी पता करना है इसके बारे में, ये क्या है, कोई कैसा दिखता है, किसी के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, ठीक है, वो होती है जिज्ञासा, मन की जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी ड्राइव्स, ड्राइव क्या होता है? चलाना, ठीक है। ड्राइव क्या होता है? ड्राइवर होता है ना, गाड़ी चलाता है, ये वही ड्राइव है, लेकिन एस लगा है ड्राइव्स। अस, अस होता है हम, हमें के लिए यूज़ किया जाता है। इन लाइफ, लाइफ में। अब इस सेंटेंस का जो मतलब बन रहा है, जिज्ञासा ड्राइव्स, क्यूरियोसिटी ड्राइव्स अस इन लाइफ। क्यूरियोसिटी क्या कर रही है? ड्राइव कर रही है, चला रही है, प्रेरित कर रही है, आगे ले जा रही है। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जिज्ञासा हमें, अस आ गया ना, हमें, अस होता है हमें। जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है, प्रेरित कर रही है, करती है, ठीक है। जिज्ञासा हमें जीवन में आगे ले जाती है, जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है जीवन में, जिज्ञासा हमें प्रेरित करती है, ड्राइव कर रही है, प्रेरित कर रही है, वो चला रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एडमायर, एडमायर होता है प्रशंसा करना। किसी की जब आप प्रशंसा करते हैं, अच्छा कहते हैं किसी के बारे में, वो एडमायर करना होता है,
इसका एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, आई एडमायर हिम। हिम आ गया तो लड़के के लिए यूज़ हो रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। कोई होगा जिसकी वो प्रशंसा करता होगा, वो कह रहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, मैं के लिए आई आ गया। हिम किसी कोई लड़का होगा, आई एडमायर हिम, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। भागना नहीं होता है सीखने के लिए, मन की इच्छाएं जो होती हैं वो हमें सिखाती हैं, और कोई भी आपको सिखाने वाला दुनिया में पैदा नहीं होता है। ठीक है, मन की जिज्ञासा जब तक नहीं होगी सीखने की, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो। जब तक आपका मन नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वही कहती हूँ मैं कि एनवायरनमेंट जो है, खुद का चेंज कीजिए, अपनी हैबिट्स को चेंज कीजिए। और इसके लिए एक बहुत प्यारी वीडियो मैंने डाली है, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए। सिर्फ उसमें मैंने समझाया है कि हमें एनवायरनमेंट कहाँ का चेंज करना होता है और किस तरीके से हम अपना एनवायरनमेंट हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं सीखने के लिए इंग्लिश को। चलिए आगे देखते हैं। टेरिफाइड और नर्वसनेस एक ही बात होती है, भीगी बिल्ली, भयभीत होना, घबराहट होना किसी चीज़ से। टेरिफाइड, टेरिफाइड क्या होता है? भयभीत होना, भीगी बिल्ली बन जाना। चलिए आगे देखते हैं, इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस, वॉज लगा है सेंटेंस के अंदर। पहले ये देखिए कि वॉज जो है किस चीज़ के लिए मैंने आपको यूज़ करना जो है बताया हुआ है। वॉज वर्ग का यूज़ भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ट्रिक के साथ समझाया है। ग्रामर पोर्शन पूरा आपको जो है बहुत ट्रिक के साथ समझाया गया है। ही वॉज, वॉज लगा है तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जो थोड़ी सी पुरानी बात है वो मैं कहना चाहती हूँ और वो मैं बता रही हूँ कि वह घबरा गया या घबरा गया था। हिंदी में तो हम इसी तरीके से बोलते हैं कि वह घबरा गया या घबरा गया था। ही वॉज टेरिफाइड। वीजिंग, वीजिंग होता है घर घराहट, खरखराहट। वीजिंग क्या कहते हैं? वीजिंग। I have to go now. अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा। I have to go now. Have जो है, have का use भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ट्रिक के साथ समझाया है, जिससे बच्चे भी जो हैं बिल्कुल चुटकियों में have का use करना सीख सकते हैं। तो आई हैव टू गो नाउ, हैव जो होता है कर्तव्य के लिए लगाया जाता है, जो काम जो है, ये मेरा तरीका है समझाने का कि जितने भी जो काम हैं मुझे करने होंगे, करने पड़ते हैं, हैव का यूज़ उस चीज़ के लिए जो है लगाया जाता है। हैव का यूज़ मैं एक हेवन के तरीके से देखती हूँ। हेवन जो होता है स्वर्ग होता है, हैव के आगे अगर मैं एन लगा दूँ तो वो हेवन बन जाएगा। हेवन होता है स्वर्ग, तो जितने भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, दुनिया भर की जितनी चीज़ें आपके पास हैं, उसे आप हैव लगाकर बहुत आसानी से बता सकते हैं। आई हैव ए पेन, आई हैव ए डॉल, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हैव का यूज़ बहुत प्यारा यूज़ है, इसे आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब उसे जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ, I have to go now. चलिए आगे देखते हैं। You were right. तुम सही थे, तुम सही थे, you were right. ठीक है, you के साथ अब आप कहेंगे was नहीं लगा है, was का जो है sentence, तो you के साथ मैं बता देती हूँ, you के साथ जो है were लगाया जाता है। You were right. तुम सही थे। ठीक है, अमेज्ड, अमेज्ड होता है हैरान, अमेज्ड हैरान। स्टेल फूड, स्टेल फूड होता है बासी भोजन, जो बासी खाना होता है उसे स्टेल फूड कहा जाता है। ही एट स्टेल फूड, ईट होता है खाना, एट अब उसने वह बासी खाना खाता था, था की बात हो रही है तो एट लगा दिया है। ही एट स्टेल फूड। वॉन्ड, वॉन्ड होता है घाव,
वांट घाव। रिटेल, रिटेल क्या होता है? खुदरा, रिटेल खुदरा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कॉवर्ड, कॉवर्ड होता है कायर, क्या होता है? कायर, कॉवर्ड कायर। रिपेलिंग, रिपेलिंग होता है पीछे हटाना, रिपेलिंग पीछे हटाना, पीछे धकेलना किसी चीज़ को, रिपेलिंग करना, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और जो है बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।